हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो टर्म 1 में पेपर आया हुआ है उसका कोड नंबर 065 by 2 by 4 के आंसर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग अगला कोड जो पेपर का कोड है, आपको मालूम होगा कि सीबीएसई ने इस बार दो टाइप के क्वेश्चन सेट किए हैं और वो भी क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट, मैंने क्वेश्चन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, अलग अलग क्वेश्चन ही है। तो उसका कोड जो है वो 065 और यहाँ पे बस जो 2 लिखा हुआ है इस 2 की जगह पे 1 लिखा हुआ है, तो उसको इस वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग 1 by 1 करके क्वेश्चंस के आंसर को मिलाते हैं। और एक और बात बता देते हैं कि डिटेल वीडियो जो है, मतलब एक एक क्वेश्चंस को लेके जो सॉल्व करने की कहानी है, वो हम इसी वीडियो के लिंक में और आई बटन में दे देंगे। तो अगर डिटेल से जानना है कि कैसे आंसर हुआ, क्यों हुआ, तो उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं, इसका और उसका भी 1 by 1। इसमें केवल हम लोग बना चुके हैं, हम लोग लाइव सॉल्यूशन ले चुके हैं, तो अब केवल आंसर को डायरेक्ट हम लोग मैच कराएंगे, ठीक है। आंसर को क्या कराएंगे, मैच कराएंगे। तो सबसे पहले आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ए है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर सी है, 64। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका जो आंसर है वो डी है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर ए है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, ठीक है, बी ऑप्शन। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है और 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, यानी कि इसका डी और इसका ए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी है, 8 नंबर का आंसर क्या है आपका, सी। 9 नंबर का बी है, तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर ए है। नेक्स्ट 14 जो है उसका आंसर आपका भी ए है, 14 का भी ए है। अब आ जाते हैं 15 का बी है। अब आ जाते हैं 16 पे, 16 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है नॉट इक्वल टू 5, सॉरी देख लेके बताते हैं, 16 का है डी, 16 का डी है। 17 का सी है, 18 का ए है, ठीक है, 18 का ऑप्शन जो है आपका वो ए है। 19 का जो है आपका पाई बाई 8 है, यानी कि ए ऑप्शन। और अब आ जाते हैं 20 नंबर पे, 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी है। डिटेल से सॉल्यूशन देखना है तो आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे 21 नंबर से, तो 21 नंबर का पहला ऑप्शन जो है वो सी है। देखिए बहुत बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए भी मारे होंगे, इसका रीजन बता देते हैं कि ए क्यों नहीं होगा। देखो एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक होता है इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है उसमें, अच्छा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है उसमें केवल ग्रेटर देन जीरो होता है, याद रखिएगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अगर इन्होंने केवल इंक्रीजिंग बोल रखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी लेंगे, यानी कि इस कारण से हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। और जो 23 है उसका आंसर है क्लोज इंटरवल, यानी कि डी ऑप्शन, तो इसका डी। अब बढ़ते हैं 24 नंबर पे, 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 24 का बी है, 25 का है सी, ये गलत है, 25 का है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, 25 के बाद 26 पे, तो 26 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ए है, 27 जो है उसका आंसर डी है, और 28 पे आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका आंसर सी है सही, और 29 का जो है वो डी है, 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है, और क्योंकि ये नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है, टेंजेंट का नहीं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका सी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका भी सी आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर 31 का जो है वो भी सी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए, 32 का ए ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे, 33 जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है आपका बी है, 33 का आंसर जो है वो बी है। अब जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसका ऑप्शन बी है। अब बढ़ते हैं, और वो आपका 35 देख रहे हो आप, 35 का जो 36 का डी ऑप्शन सही है, और इसके पहले शायद हम 35 नहीं बता पाए हैं, तो 35 का आंसर जो है वो आपका ए सही है, 35 का आंसर ए जो है वो सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 36, तो 36 का जो आंसर है वो डी है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 पे, 37 का जो ऑप्शन है वो आपका डी है, 37 का क्या है, डी है। अब 8 पर क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, 40 का भी है ए, ठीक है, इधर तो बता ही दिया है,
इसका आंसर जो है आपका मतलब कि 38 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, और इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि टफ था, और लास्ट का जो पांच क्वेश्चन था यानी कि 46 से 50 तक वो भी टफ था। तो ये दोनों का एक वीडियोस बना के हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे आज रात को, आप कल सुबह में देख सकते हैं, या अगर आपका एग्जाम है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसका आंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ। आंसर तो हम अभी बता ही रहे हैं। अब बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसका आंसर जो है आपका डी है, पहला का डी ऑप्शन है, और 43 का आप ए भी टिक कर सकते हो, डी भी टिक कर सकते हो, दोनों में से कोई टिक करोगे आपको आंसर का मार्क्स मिलेगा। अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसका आंसर आपका डी है, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट 45 पे। तो जो 45 है उसका आंसर, 45 का आंसर आपका बी है, ठीक है ना, आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज एट क्यू, है ना, तो 45 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसका जो आंसर है आपका वो ये आपका बी ऑप्शन है पहला का, 46 नंबर क्वेश्चन का, और ये आ जाइए 47 पे, तो इसका सी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 48 पे आ जाइए, तो 48 का जो आंसर है आपका वो ए सही है। अब आ जाइए 49 पे, उसका डी सही है, और लास्ट क्वेश्चन आ जाइए आप, और इसका आंसर 7500 सही है, 7500 आपका बी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट कर दिए, सेट नंबर 065x2x4 का। इसके बाद वाले वीडियोज़ में हम लोग 065x1x4 वाला सेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रिपरेशन करें अपना, और जस्ट हम अपलोड करेंगे इसके बाद। थैंक यू।